हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी जा रही थी बाहर, तो मैं हो रही थी रेडी, सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो क्विक आप लोग कैसे रेडी हो सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दिन में जा रही थी तो सनस्क्रीन, इसके लिए मैंने वाओ का ये सनस्क्रीन यूज़ किया है। ये वाटर बेस्ड है, मतलब स्प्रे की तरह होता है ये वाला, बहुत ही ईजी, ऐसे क्रीम वाला नहीं है। एकदम से स्प्रे कर लो, फिर एकदम मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको कब ये, मतलब कोई पैची पैची स्टिकी स्टिकी आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। एंड ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद सनस्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा मस्ट लगाना, ये पूरे साल में आप लगाना कभी मत भूलिएगा। एंड ये 30 SPF है इसमें। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का प्राइमर। एंड समर में जिसका ऑयली स्किन है उनको प्राइमर तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने टी जोन पे, जहाँ पे स्पेशली हमारा ऑयली हो जाता है, वहाँ पर अप्लाई करूँगी। बाकी जो भी बचता है पूरे फेस में मैं अप्लाई कर लूँगी। ड्राई स्किन वाले भी ऑयली मतलब प्राइमर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एक स्मूथ सा बेस बन जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ट्यूब फाउंडेशन। एंड ये भी काफ़ी अच्छा सा आपको कवरेज दे देता है। अगर इतने से आपको नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा और चाहिए, तो आप उतना भी ले सकते हैं। मैं डे टाइम पर जा रही थी तो मैं ऐसा हल्का ही लगाती हूँ इतना सा फाउंडेशन। अगर आपको चाहिए कि कोई स्पॉट को कवर करना है तो एक और लेयर भी आप इसका लगा सकते हैं। एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा डैप डैप करके सेट कर लूँगी। एंड ये मेरे स्किन टोन का है, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। एंड उसके बाद कंसीलर लगाऊंगी मैं, ये भी ब्लू हेवन का है। किसी ने मुझे बोला था कि वन ब्रांड करिए, तो जितना मेरे पास ब्लू हेवन का था तो मैं वो सब का यूज़ कर रही हूँ। जो मेरे पास ब्लू हेवन का नहीं है मैं बाकी के प्रोडक्ट यूज़ किया है यहाँ पे। तो कंसीलर को मैं आई लिड पे लगाऊंगी, पहले लगाना था मैं भूल गई थी, बट इट्स ओके, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको लगा के मैं उसको भी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको सेट कर लूँगी। एंड उसके बाद अंडर आई एरिया को भी मैं कवर करूँगी। अगर आपके पास मतलब अगर फेस पे जैसे मेरे थोड़े थोड़े स्पॉट्स है, तो उसको कवर करने के लिए भी मैंने इसे यूज़ किया है। तो उसको भी मैं ऐसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके अप्लाई कर लूँगी। एंड अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। purple.com में वैसे ही सेल चली हुई है, होली सेल चली हुई है। पर्पल का प्रोडक्ट्स बाय थ्री गेट टू का ऑफर में है, मेबेलिन का 35% तक का ऑफ में है। तो लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसमें दो है, एक शाइनी वाला है अगर किसी को नाइट टाइम यूज़ करना है तो शाइनी, एंड एक मैट है, मैट लुक देने के लिए, डे टाइम के लिए परफेक्ट रहेगा। तो दो पाउडर इसमें है, कॉम्पैक्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा है नाइट टाइम के लिए। थोड़ा शाइनी ग्लॉसी पार्टी लुक चाहिए होता है हमें। उसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो के लिए भी ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ। ये शाइनी वाला है, एकदम मैट लुक का नहीं है, ये शिमरी शेड है। तो उसमें से लाइट ब्राउन कलर एज अ बेस में अप्लाई करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि डे टाइम में बहुत सिंपल सा मेकअप लुक करूँगी। मुझे लाइनर लगाना बहुत अच्छा लगता है, काजल लगाना, तो जस्ट एक बेस बनाने के लिए एंड थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए इसको मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है। एंड इसमें आपको हाइलाइटर के लिए भी आपको कलर मिल जाएगा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करना है तो वो सारा कलर भी है। तो बस अपने आईज़ को डिफाइन मैंने किया, एंड उसी ब्रश में जो भी था पार्टिकल थोड़ा सा मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा दिया है। इससे लुक थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप जो भी कलर यूज़ करते हो ना, कभी कभी अपने लोअर लैश लाइन पे वही सेम ब्रश को यूज़ करना, बहुत ही अच्छा आई लुक आएगा। उसके बाद यहाँ पे मेबेलिन का मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, मेरे पास ब्लू हेवन का नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे है ब्लू हेवन का काजल लाइनर, एंड ये गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आप काजल की तरह लगा सकते हो, लाइनर की तरह लगा सकते हो। मैंने इतना अच्छा, मुझे मतलब एकदम से स्मज नहीं होता, ये एक बहुत खास बात है। एंड उसके बाद ये मस्कारा, मस्कारा मुझे पहले भी मैंने बहुत सारे मेकअप वीडियोस में बताया था कि मुझे ब्लू हेवन का ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत छोटा वाला लिया था पहले, एंड ये वाला अलग है, लेकिन ब्लू हेवन का ही है, एकदम आपके लैशेस को लॉन्ग कर देता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड ये वाला आपके फेस को थोड़ा डिफाइन भी करेगा, ब्रॉन्जर की तरह भी लगेगा एंड ब्लशर की तरह भी काम आएगा। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे पर्पल का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, एंड ये स्टिक हाइलाइटर है, थोड़ा सा जितना भी आपको लगेगा एकदम स्टिक करके रहता है एंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है। इसमें बहुत ज़्यादा शेड्स भी अवेलेबल है, आप चेक ज़रूर करिएगा, लिंक मैं दे दूँगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने फेस को हाई पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज़ किया है। उसके बाद ये वाला मैंने अप्लाई किया है लिपस्टिक एंड लिक्विड लिपस्टिक, एंड ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्मज नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रस्ट मी। अगर आप एक बार मुझे ट्रस्ट करके इसको यूज़ करते हैं तो देखना। मैं लाइट कलर का मतलब ड्रेस मेरा थोड़ा सा लाइट है, तो मुझे डार्क लिपस्टिक वैसे भी अच्छा लगता है लगाना। एंड ये लिपस्टिक
मैट लुक देता है, लेकिन ऐसा जो कुछ कुछ मैट होता है ना फटा फटा सा, उस तरह सा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। एंड लिपस्टिक एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला कलर। आई होप आपको ये वाला सिंपल सा मेकअप लुक डे टाइम के लिए अच्छा लगा होगा। तो मैं जा रही थी पार्टी के लिए। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।